हेलो दोस्तों, मैं मुकेश विविध चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से ही रह रहे होंगे। आज किचन में आपको मैं दिखला रहा हूँ एक अलग प्रकार की डिश, जो कि स्वीट डिश है और आप उसको बना सकते हैं केले और मेवे के माध्यम से। जिसमें सामग्री पड़ेगी 2 केले, थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास शुद्ध घी, लगभग 3 चम्मच पिसी हुई शक्कर, 3 छुहारे, थोड़ी किशमिश, चिरौंजी और ग्रेट की हुई गरी। ये आधा चम्मच हमने घी डाल दिया है कढ़ाई पर, उसको अब हम छुहारे डाल रहे हैं उसमें और फ्राई करेंगे धीरे धीरे, हल्की आंच में ही करना है इसे। सब बहुत आराम से समय लेते हुए धीरे धीरे इसको फ्राई करते रहेंगे। ये फ्राई हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, और हम इसमें डाल देंगे चिरौंजी और उसको भी इसी तरह से फ्राई करेंगे हल्की आंच में ही साथ में उनके छुहारों के। अब ये फ्राई हो गए हैं, अब हम डाल देंगे इसमें गरी और किशमिश भी, इसको भी फ्राई कर लेंगे। बहुत हल्की आंच में ही रखना है। ये भी फ्राई हो गए हैं लगभग, अब हम गैस बंद कर देंगे और जो गर्म कढ़ाई है उसी वक्त हम डाल देंगे इसमें शक्कर पिसी हुई और फिर इसको मिलाते रहेंगे धीरे धीरे। इससे हमारा पूरा एक मटेरियल तैयार हो जाएगा। ये हम मिला दिया है हमने और हमारा मटेरियल हो गया है तैयार। ये हमने पिसी हुई 2 इलायची भी डाल दी है इसमें और उनको भी इसमें मिला दिया है। ये सब हमें जब हम शक्कर डालेंगे उस समय से गैस बंद रखेंगे और जो गर्म कढ़ाई है उसी पे मिलाते हुए बाहर रख लेंगे। ये हो गया है तैयार। अब हम केलों को भी काट लेंगे 1-1.5 इंच के साइज़ के हिसाब से और फिर अगली प्रोसेस करेंगे। इसी बीच आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। जो काटना है केला, इसको बिल्कुल नीचे तक नहीं काटना कि फट ना जाए, ऐसे काटना है कि इसमें भरा जा सके कुछ। और ये देखिए, हम जो मटेरियल तैयार किया था हमने मेवे का, वो इसके अंदर हम भरते जा रहे हैं। ये धीरे धीरे हम सब भरते जा रहे हैं इसमें और ये भरकर हो गए हैं तैयार। अब हम इसको आगे फ्राई करेंगे। ये आधा चम्मच तेल घी, इसमें हमने शुद्ध घी का प्रयोग किया है और डाला और इसमें हमने फ्राई के लिए रख दिया और धीरे धीरे हम इसको चलाते रहेंगे। इनका रंग भी बदल जाएगा जब ये फ्राई हो जाएंगे, सुनहरे रंग के हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, अब इनको जब थोड़ा फ्राई हो जाए तो धीरे धीरे पलटा जाएगा एक एक करके। अभी तो इनको फ्राई कर रहे हैं, जगह बदलते जा रहे हैं उनकी। और ये देखिए, रंग बदलने लग गया है, अब इनका साइड से पलट रहे हैं। और ये सबको पलट के देखिए हो गए हैं तैयार सर्व करने की स्थिति में। देखने से मालूम पड़ रहा है अच्छे हैं और टेस्टी भी होंगे। और ये हमने सर्व करने से पहले बचे हुए ड्राई फ्रूट के मटेरियल से इसको गार्निश कर दिया है। अब ये बिल्कुल हो गया है सर्व करने के लिए तैयार। बहुत ही लजीज है, स्वादिष्ट है और देखने में भी शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद।